बहुत सारी कॉस्ट ऐसी हों जो वाजिया या क्लियर ना हो और इन अदर वे आई वुड लाइक टू से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको या एंटरप्रेन्योर को असेसमेंट हो रही हो कि ये रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन वो उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन के तौर पे उसको कॉस्ट की शक्ल में ना ले रहा अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इम्प्लिसिड कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकती हैं कैसी हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहा या उस एंट्रप्रेन्योर को उसकी असेसमेंट नहीं हो रही अब इन कॉस्ट के लिए चूंकि एंटरप्रेन्योर कोई प्रॉपर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा होता उसको पे नहीं कर रहा होता इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसीजर में मोस्टली ये इम्प्लीसिड कॉस्ट को एंटर नहीं किया जाता अब ये इम्प्लिस कॉस्ट क्या हो सकती हैं मीन्स ए काश्तकार जिम्मेदार के पास उसकी अपनी ज़मीन है अब वो बाकी तमाम चीज़ें तो जो वो ख़रीद रहा है वो उसको बाकायदा कैश की शक्ल में पे कर रहा है लेकिन ये रिसोर्स या पीस ऑफ लैंड चूँकि उसका अपना है तो क्या होता है कि वो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बननी चाहिए मेन I mean, क्योंकि अगर वो उस पीस ऑफ लैंड को किसी और को रेंट आउट करे तो डेफ़िनेटली उसको एक इनकम का सोर्स होगा लेकिन वो उसको कभी भी सिस्टम में काउंट ही नहीं करता तो ये यहाँ पे चूँकि वो अकाउंट फॉर नहीं हो रही ये भी उसकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी और अगर माइट भी वो जमीन के रेंट को अपनी अकाउंटिंग में क्योंकि क्यों रिक्वायर है वेन वी हैव टू असेस द प्रॉपर ब्रेक इवन पॉइंट या प्रॉफिट ऑफ द फर्म तो हमारी इम्प्लिसिड कॉस्ट को उसमें इंक्लूड होना चाहिए एंड सम टाइम पर्सनल एफर्ट या पर्सनल कैपेसिटी में जो काम हो रहा होता है उसके लिए जो मैनेजर है वो कई दफ़ा अपनी सैलरी और उस सेटअप को वो उसमें शामिल ही नहीं कर रहा होता और इसी तरीके अगेन आई वुड लाइक टू से मेन जो एग्ज़ाम्पल हम एग्रीकल्चर की लिए समाइम्स आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग या एंटरप्रेन्योर के वो उसमें कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उस फैमिली लेबर को कभी भी उसमें एज ए लेबर क्योंकि पेमेंट नहीं दी जा रही होती इंक्लूड नहीं किया जाता तो लाइक वाइज कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ द इम्प्लिसिड कॉस्ट दैट हैज़ टू बी इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसीजर लेकिन चूंकि उसके लिए पेमेंट नहीं दी जा रही उस रिसोर्स के लिए तो दे विल नॉट बी एंट्रिंग इन द प्रोडक्शन और द ट्रांजेक्शन सिस्टम इसी तरीके से हो सकता है कि कोई रिसोर्स ऑलरेडी परचेज करके कहीं हिडन पड़ा हो और आप उसको सेल करके उसमें से बेनिफिट ले सकते हो लेकिन वो कभी उसकी तरफ ध्यान ना गया हो तो दैट विल आल्सो बी एन इम्प्लेसिड कॉल नाउ कमिंग टू दैट दैट हाउ दे आर द पार्ट तो मोस्टली इकोनॉमिक सिस्टम में इम्पलेसिड एंड एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है अब अगर हम देखें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो चूंकि एक्सचेंज ऑफ कैश के तौर पे नहीं आ रहा उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही तो इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हैं ये एक इनकम के लॉस के तौर पे तो हमारे सामने आ सकती हैं लेकिन ये लॉस ऑफ प्रॉफिट की शक्ल में हमारे सामने नहीं आते अदरवाइज़ इफ़ दे हैज़ टू बी एंटर्ड इन दैट तो हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया और अगर एडिड अप करके तो हम होते तो वो उसकी इनकम के तौर पे उसमें आना चाहिए इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम कहें कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने जिस तरीके से पहले ली है लेकिन कुछ ऑस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको जिस तरीके से हमने पहले काउंट किया वो शायद उसकाउंट फॉर ना हो सके मीन्स बिजनेस में अगर एक शख्स की दुकान बहुत अच्छी जगह पे ऐसी है जहाँ पे लोगों की एक्सेस इजीली अवेलेबल है तो वो इजी एक्सेस पॉइंट के तौर पे जो एक उसकी वैल्यूएशन है वो उसकी एक वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो शायद उसने कभी बिज़नेस में इंक्लूड ना की हो लाइक वाइज़ कई दफ़ा जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिज़नेस पॉइंट ऐसी होती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो जाती है उसी तरीके से अगर हम देखें तो जिस एग्रीकल्चरल सेटअप में अगर देखें तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है या क्वालिटी ऑफ लैंड है ये वो ऑस्पेक्ट है कि जो एक हिडन फैक्टर है तो उसके लिए कई दफ़ा हम उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन ही नहीं कर पा रहे होते या उसकी उस कॉस्ट को पे नहीं कर पा रहे होते तो दैट हैज़ टू बी पेड फॉर दैट जो क्योंकि वो एक कॉस्ट का या पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्शन है so in this manner there can be certain hidden parts in our production procedure जहाँ पे हम कहें कि वो input या वो resource in either form कहीं कही ना कहीं contribute कर रहा है या अगर वो contribute नहीं कर रहा तो in the form of cost ज़रूर मौजूद है otherwise जिसको हम sell करके या utilize करके या opportunity जो हमारे पास other available है वहाँ पे उसको include करके किसी और production procedure में we can get benefit of that. Thank you.